नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो अभी तक ये शेयर हमें 1.23% ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यही तेजी पहले 3 से 4% के आसपास भी देखने को मिली, उसके बाद ये शेयर में एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल रही है और ये शेयर अभी तक 1% के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन इस शेयर में आज इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली, इसके पीछे की सिर्फ एक वजह है, जो कि मैंने कल भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की वीडियो पर बोला था कि आने वाले समय में कंपनी के डिपॉजिटर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस एक जबरदस्त देखने को मिलेगी और ऐसी ही न्यूज़ हमें देखने को भी मिली। टाइम को वेस्ट किए बिना आपको लेके चलता हूँ इसकी न्यूज़ पे, जहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रिपोर्टेड ए 44% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है शेयर होल्डर के लिए। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि डिपॉजिट की जो ग्रोथ है, जो टोटल डिपॉजिट हमें करते हुए देखने को मिलेगी एंड में, जो वो हमें 26,000+ करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक की इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और उसी के बेस पे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि इस शेयर को बाय करके चलिए, आने वाले समय में ये शेयर 100 जाने का पूरा दम रखता है। 16 रुपये पर वीडियो बनाई गई थी, आज शेयर 40 रुपये के आसपास पहुँचा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं, इसके आंकड़े हमें बताते गए कि इस शेयर को बाय करके चलिए, क्वार्टर रिजल्ट में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होती हुई देखने को मिली, जो शेयर डिविडेंड नहीं देता था उस शेयर ने डिविडेंड का भी ऐलान किया, लगातार इसके फेवर में एक अच्छी खासी न्यूज़ आती गई और ये शेयर आज 41 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज भी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास ये शेयर है, इसे होल्ड करके चलिए, ये शेयर आने वाले समय में 100 रुपीज़ आता हुआ देखने को मिलेगा अगर ऐसे ही काम करता गया तो। और अगर आप इस शेयर को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस शेयर को बाय करके चलिए, ये शेयर आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन मेरे कहने पर इस शेयर को बाय मत कीजिए, पहले खुद एनालिस कीजिए, आपको इसके आंकड़े अच्छे लगेंगे, बैलेंस शीट चेक कीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिए, हर चीज़ चेक कीजिए, उसके बाद अगर आपको इसके आंकड़े अच्छे लगे तो इस शेयर को बाय करके चलिए। ले जाते जाते यही बोलूँगा, अगर आपके पास ये शेयर नहीं है, इसे पहले खुद एनालिस कीजिए, इसे बाय करके चलिए, ताकि आप भी इन शेयर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा, धन्यवाद।